ये महा ठगबंधन में दो बड़े ठग एक दूसरे को ठगने के लिए आए हैं और ठगी में जब फेल हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये रिएक्शन अभी और बढ़ेगा क्योंकि एक सीएम के लोभ में आए थे, एक पीएम के लोभ में। सीएम का तो मामला ख़त्म हो गया क्योंकि उनको कहीं से अब कोई सहानुभूति रख नहीं रहा, न मौका दे रहा, उन्होंने खुद सरेंडर कर गया कि हम पीएम के अब कैंडिडेट नहीं हैं। तो जब पीएम के कैंडिडेट नहीं रहे तो सीएम का चेयर कहाँ खाली होने वाला है और सीएम का चेयर के लोभ में जो लोग आए थे वो बेचैन हैं। तो दोनों के बीच तो अभी ये महा ठगबंधन का लठबंधन शुरू होगा। देखिए, ये महा ठगबंधन में दो बड़े ठग एक दूसरे को ठगने के लिए आए हैं और ठगी में जब फेल हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट रिएक्शन निकल रहा है और ये रिएक्शन अभी और बढ़ेगा क्योंकि एक सीएम के लोभ में आए थे, एक पीएम के लोभ में। पीएम का तो मामला ख़त्म हो गया क्योंकि उनको कहीं से अब कोई सहानुभूति रख नहीं रहा, न मौका दे रहा, उन्होंने खुद सरेंडर कर गया कि हम पीएम के अब कैंडिडेट नहीं हैं। तो जब पीएम के कैंडिडेट नहीं रहे तो सीएम का चेयर कहाँ खाली होने वाला है और सीएम का चेयर के लोभ में जो लोग आए थे वो बेचैन हैं। तो दोनों के बीच तो अभी ये महा ठगबंधन का लठबंधन शुरू होगा और ये लठबंधन बिहार में धमाल मचाएगा, प्रशासनिक अराजकता फैलेगी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुँचेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन भ्रष्टाचारियों का लठबंधन करने वाले ठगबंधन की सरकार को बेनकाब करेगी जनता के बीच। देखिए, सिद्धांत विहीन राजनीति की जब समझौता होती है और स्वार्थ चरम पर पहुंचता है तो घोर प्रशासनिक अराजकता फैलती है, भ्रष्टाचार अपराध चरम पर पहुंचता है। आज वो सब लक्षण प्रकट हो रहे हैं और इसका दुष्परिणाम इस ठगबंधन के लोगों को भोगना पड़ेगा। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी स्टेट में जाते हैं, संगठनात्मक काम करते हैं, कोई पहली बार नहीं। आप देखिए, इसके पहले भी बराबर आते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद होता है, समर्थकों से संवाद होता है और संगठन और राष्ट्रवाद के सबका साथ सबका विकास की भाव को बेहतर करने के लिए सबको उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये चुनाव के पीरियड में सिर्फ दौरा नहीं होता है, ये सतत हमारा कार्य चलते रहता है। एक आखिरी सवाल है कि बीते दिन तारकिशोर प्रसाद कहे थे कि जेडीयू के जो सांसद हैं, विधायक हैं, बीजेपी के साथ हैं, क्या लग रहा है, सही बात है क्या, बीजेपी के साथ ही हैं क्या कुछ लोग? 2023 में देखते जाइए होता है क्या क्या।